आज हम आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है प्योरिफिकेशन के लिए, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें उससे ब्लड जो है वो अरोटा के थ्रू बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब हम देखते हैं कि जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जा रहा है, तो यहाँ पर प्योरीफाई होने के बाद डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और यहाँ पर ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, और उस प्योरीफाई ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है लेकर जाएगी हार्ट के लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम से वो अब इतना सर्कुलेशन जो हमने अभी आपको बताया कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स में प्योरिफिकेशन हुआ और यहाँ से प्योरिफाइड ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है वो हार्ट के लेफ्ट ऑट्रियम में लेकर आ गई। तो इतना सर्कुलेशन जो है वो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अब हम देखते हैं कि इस प्योरिफाइड ब्लड ये कहाँ से कहाँ पर जाएगा। तो लेफ्ट ऑट्रियम से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अरोटा के थ्रू ये बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब ये बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके पास ऑक्सीजन और दूसरे इसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे और फिर ये पहुंच जाएगा बॉडी पार्ट्स तक। बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद एक नेटवर्क बनेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक नेटवर्क बनेगा आर्टरी आर्टरियोल्स और कैपिलरीज का, और उसके थ्रू ये बॉडी के टिश्यूज तक पहुंच जाएगा। फिर बॉडी के टिश्यूज से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस से वेन्यूल्स, फिर वेन्स और फिर वेना कावा के थ्रू जाएगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे, तो उससे ये जाएगा राइट ऑट्रियम में। ठीक है, तो राइट ऑट्रियम में ब्लड आ गया। लेकिन एक इसी तरह का एक स्पेशल कनेक्शन जो है वो कहाँ पर होगा, इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में होगा, जिसको हम अभी आपको, अब एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बन रहा है कहाँ पर, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ये इंटेस्टाइन से और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट वाला ब्लड है वो कहाँ पर जा रहा है, अमोनिया जिसके अंदर मेनली प्रेजेंट है वो जा रहा है लीवर के पास, क्योंकि ये सारा ब्लड किडनी के पास नहीं जा सकता। किडनी अमोनिया को फिल्टर नहीं कर सकती, अमोनिया जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो पहले हमारा लीवर जो है उस अमोनिया को कन्वर्ट करेगा यूरिया में, फिर ये यूरिया मिक्स वाला ब्लड किडनी के पास जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए, और फिर वहां से वापस ये किसके पास जाएगा, हर्ट के पास जाएगा, जो हम अभी आपको इसके बारे में बताते हैं हम आपको कि कहाँ पर स्पेशल कोरोनरी सिस्टम। बताया हमने कि उसने वापस से किडनी से ब्लड को फिर वेना कावा में डाला और वापस ये आ गया राइट ऑट्रियम में। इसके अलावा एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम, जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो हार्ट वाले रीजन में भी प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें से बाहर जाएगा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।